आज हमारा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पे लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने डिस्कस किया था सम न्यूमेरिकल्स ऑन इक्वेशन ऑफ लाइन, उसके बाद फुट ऑफ परपेंडिकुलर टॉपिक डिस्कस किया था, ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ये तीन टॉपिक हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए थे, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले, बट इस नए टॉपिक का जो बेस है वो आपका प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ही है, यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ लाइन, ये जो टॉपिक हमने देखा था उसी से रिलेटेड आज का हमारा एक टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये हमारा टॉपिक, ठीक है। टॉपिक क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। जैसे कि मान लो एक लाइन दी है, ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, और मान लो यहाँ कोई खाली पॉइंट होगा, लेट्स से वो पॉइंट p है, इसके कोऑर्डिनेट में x नॉट y नॉट और z नॉट से लिखा देता हूं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि इस लाइन और इस पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, मान लो पी एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग पहले एम के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमने एम के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करना है ये लास्ट वाले लेक्चर में सीखा है। एम क्या है, बेसिकली एम है बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखो पी से हमने एक परपेंडिकुलर बनाया और एम क्या बन गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, यानी मान लो एम के कोऑर्डिनेट आपके फाइंड आउट हो जाएंगे बाय यूजिंग दैट टॉपिक फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एम के कोऑर्डिनेट पता है, पी के कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी गिवन होंगे, तो आप क्या करोगे इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लोगे, क्योंकि अगर आपको एम के कोऑर्डिनेट पता है पी के कोऑर्डिनेट गिवन है तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके पीएम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो पीएम डिस्टेंस ही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। बस समझ में आ गया इतना, ओके ओके। तो चलो एक एग्जांपल ट्राई करते हैं, और ये एग्जाम तो जो हम लोग लेने वाले हैं रिसेंटली 2019 जेई मेन में आ चुका है, ठीक है, 2019 जेई मेन में आ चुका है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट पी 2 माइनस 1 4 ऑन द लाइन x प्लस 3 बाय 10 y माइनस 2 बाय माइनस 7 इज इक्वल टू z अपॉन 1। मतलब क्या करना चाहते हैं, जैसे मान लो ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन आपको क्या दिया है, x प्लस 3 बाय 10 इज इक्वल टू y माइनस 2 बाय माइनस 7 इक्वल टू z अपॉन 1, और यहां कोई तो देखा कि पॉइंट होगा, ठीक है ना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने दिए, 2 माइनस 1 4। तो हमें क्या करना है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो m m मान लो m क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये होगी लाइन। तो m पहले फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा m कैसे फाइंड आउट करते हैं, लास्ट वीडियो लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले लास्ट वीडियो लेक्चर देख लो, जिसमें हमने ये सीखा था कि हाउ टू फाइंड आउट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे m क्या है, m एनी पॉइंट है, m को हम लोग क्या लेते थे, एनी पॉइंट। तो m के जो कोऑर्डिनेट है ये हम इसको लैम्ब्रा से इक्वेट करते थे, और m के जो कोऑर्डिनेट, m अगर एनी पॉइंट है तो m के कोऑर्डिनेट x y z कहते थे। यहां से x कितना है, देखो 10 को शिफ्ट करेंगे तो x आ जाएगा माइनस 3 प्लस 10 लैम्ब्रा, y कितना आएगा 2 माइनस 7 लैम्ब्रा आ जाएगा, और z कितना आएगा, z आ जाएगा लैम्ब्रा। ये क्या मिल गया आपको, m के कोऑर्डिनेट, क्या मिल गया, m के कोऑर्डिनेट, ठीक है। देन उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग निकाल देते हैं pm, क्या निकालेंगे, वेक्टर pm। वेक्टर pm कैसे निकालेंगे, m में से p के कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, m कितना है माइनस 3 प्लस 10 लैम्ब्रा माइनस 2, तो हो जाएगा माइनस 5 प्लस 10 लैम्ब्रा i, ठीक है। फिर 2 माइनस 7 लैम्ब्रा माइनस ऑफ माइनस 1 हो जाएगा 3 माइनस 7 लैम्ब्रा j, फिर क्या करेंगे लैम्ब्रा माइनस 4, तो
ये आ जाएगा लैम्बडा माइनस 4 के। ये क्या मिल गया हमें, वेक्टर पीएम। अच्छा आपको पता है इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होता है जिसको हम वेक्टर बी कहते हैं, वेक्टर बी कैसे फाइंड आउट होता था, ये ए बी सी होता था ना, तो ये हो जाएगा 10i - 7j + k। ये वेक्टर बी पता चल गया। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि वेक्टर, जैसे ये मान लो ये पैरेलल वेक्टर है वेक्टर बी, वेक्टर बी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर। तो वेक्टर बी और वेक्टर पीएम एक दूसरे को कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर। वेक्टर पीएम और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, फिर जीरो आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा इसका मतलब आई का कंपोनेंट और इधर आई का कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन होगा। 10 जब मल्टीप्लाइड होगा तो -50 + 100 लैम्ब्रा होगा, ठीक है। उसका जब -7 मल्टीप्लाइड होगा तो -21 + 49 लैम्ब्रा हो जाएगा, और 1 जब मल्टीप्लाइड होगा तो लैम्ब्रा -4 = 0 आ जाएगा। चलो देखते हैं, 100 लैम्ब्रा 49 लैम्ब्रा प्लस लैम्ब्रा कितना हो जाएगा, 150 लैम्ब्रा। कितना हो गया, 150 लैम्ब्रा हो गया, 150 लैम्ब्रा। उसके बाद -50 - 21 ये होगा -71 और -4 तो ये हो जाएगा -75 को इधर शिफ्ट कर दिया। तो यहां से जब आप लैम्ब्रा फाइंड आउट करोगे, 150 डिवाइड में जाएगा, 25 डिवाइड होगी कितना देगा, ऊपर से तो 3 आएगा, नीचे से आ जाएगा 6, नीचे से आ जाएगा 6। तो लैम्ब्रा की वैल्यू आ गई 3/6, इसका मतलब लैम्ब्रा की वैल्यू कितनी, 1/2, ठीक है। चलो लैम्ब्रा मिल गया, लैम्ब्रा मिल गया तो अब आप एम के कोऑर्डिनेट बता सकते हो। एम के कोऑर्डिनेट लैम्ब्रा के लिए 1/2 रखते, देखो लैम्ब्रा के लिए 1/2 रखा था, 2 जो है 10 के साथ कैंसिल होकर 5 देगा, -3 + 5 कितना हो जाएगा, 2। तो एम का फर्स्ट कोऑर्डिनेट पता चल गया 2। अच्छा यहां पे भी लैम्ब्रा रखा, लैम्ब्रा कितना रखा, 1/2, ये कितना बन गया, 7/2, 2 × 2 = 4, 4 - 7 - 3/2, फिर लैम्ब्रा की जगह 1/2, ये आपको मिल गया एम के कोऑर्डिनेट। ये क्या मिल गया, एम के कोऑर्डिनेट। बस एम के कोऑर्डिनेट पता चल गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके पी एम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। पी एम डिस्टेंस कैसे, अंडर रूट ऑफ एम का फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 है, पी का फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 है, 2 - 2 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, फिर -3/2 -(-1) + 1 हो गया, प्लस 1/2 - 4 1/2 - 4 आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। सो पीएम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये कितना हो रहा है, -1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है -7/2 का स्क्वायर, 49/4 हो गया। सो पीएम इज इक्वल टू कितना, ऊपर में आएगा 50, नीचे में आएगा 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 50 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5√2। अब ये 5√2 बेसिकली कितना है, देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या बोला है, ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, लेस देन 2, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 4। तो हमें ये देखना है कि ये जो वैल्यूज आई है ये कितनी है, ठीक है ना, ये कितनी है। तो पी एम इज इक्वल टू, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दू 5 को, ये देखा 2.5 और रूट 4 के लिए 1.414, ओके। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 2.5 × 1.414 करोगे तो ये आएगा लगभग 3.51, कितना जाएगा 3.51। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना आ गया 3.51। पहले ऑप्शन में क्या बोला, ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, 2 से बड़ा रहेगा लेकिन 3 से छोटा रहेगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत है, लेस देन 2 2 से कम आएगा, सेकंड ऑप्शन भी गलत है, ग्रेटर देन 4 थर्ड ऑप्शन भी गलत है, ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 4 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, ये बात इनकी सही है, यानी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी, ठीक है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया था 2019 जेईई में, आपको बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अच्छा जो बच्चे वीडियो लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लास्ट वीडियो लेक्चर देख लो जिसमें हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट करते ये सीखा था। हालांकि मैंने अभी भी आपको सिखा दिया कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, बट लास्ट वीडियो लेक्चर में बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था, ओके ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने ये सीख लिया होगा,
कि हाउ टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब हम आगे नए टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है इमेज ऑफ अ पॉइंट, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन। इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन। ठीक है, अच्छा ये जो टॉपिक है ना, जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये टॉपिक डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन जो आज हमने डिस्कस किया, ये टॉपिक और इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन, ये टॉपिक, ये तीनों टॉपिक इंटर रिलेटेड है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये समझना ही पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन ये समझना ही पड़ेगा, वो दो टॉपिक समझ में आ गए तो ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये है क्या, ये टॉपिक है क्या, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन से क्या मतलब है। जैसे मान लो एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। और यहां मान लो कि पॉइंट है p पॉइंट, एक p पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x नॉट y नॉट z नॉट। तो इस पॉइंट का इमेज इस लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसकी इमेज मतलब इसकी परछाई, ठीक है, इस लाइन को, ये लाइन एक मिरर का काम करेगी, ये लाइन किसका काम करेगी, मिरर का काम करेगी। तो इमेज ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, इस पॉइंट की जो इमेज है वो एग्जैक्टली, जैसे मान लो अगर मैं पी से यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप कर दिया, उसको नाम कर दिया एम, तो ये जितना डिस्टेंस होगा पी एम उतने ही डिस्टेंस पे एक और पॉइंट होगा जिसको मैं पी डैश से रिप्रेजेंट करता हूं, और इसी पी डैश को हम लोग कहते हैं इस पॉइंट का इमेज थ्रू लाइन। समझ पा रहे, जैसे कि मान लो मैं खड़ा हूं और एक मिरर है, तो मिरर के उस साइड एक मेरे ही जैसा सेम पर्सन है, लेकिन कंडीशन है कि जितने डिस्टेंस पे मैं मिरर के पास, जितना और मेरा मिरर के बीच में डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस मेरी जो इमेज होगी मिरर और उस इमेज के बीच का डिस्टेंस होगा। आप समझ पा रहे हो ना, आई होप क्या मैं जो बोलना चाहता हूं आप इसको इजिली समझ पा रहे हो कि इमेज ऑफ अ पॉइंट क्या होता है। जैसे एक लाइन है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट का इमेज इस साइड में आएगा, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, इमेज उसी पॉइंट होगा, क्योंकि यहां पे तो बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, पर सभी पॉइंट को इस पॉइंट का इमेज नहीं कहा जाएगा, उसी पॉइंट को इमेज कहा जाता है जो इक्वल डिस्टेंस पे लाई करता होगा फ्रॉम द लाइन। जो एक्चुअल पॉइंट है वो जिस लाइन से जितने डिस्टेंस पे उतने ही डिस्टेंस पे जो सेकेंड पॉइंट होगा उसी को हम लोग कहते हैं इमेज, उसी को क्या कहते हैं, इमेज। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, तो अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बहुत सिंपल है। एम क्या हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा मिड पॉइंट, एम क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। तो एम फाइंड आउट कर लो, एम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर टॉपिक का यूज करके एम फाइंड आउट कर लो, पी पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन होगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके हम पी डैश के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, क्या करेंगे पी डैश के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो आप इसमें क्या बोल सकते हो, फर्स्ट फाइंड एम कोऑर्डिनेट, क्या फाइंड आउट कर लो, एम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लो। सेकेंड इसमें बोल सकते हो कि एम इज मिड पॉइंट, एम क्या है मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश, ये पी पी डैश का एम क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट में बोल सकते हो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला फाइंड पी डैश, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी डैश। बात समझ पाए, ठीक है। तो देखो टॉपिक बहुत सिंपल है, लेकिन उसके लिए आपको प्रीवियस वाला टॉपिक आना चाहिए। प्रीवियस वाला टॉपिक अगर आता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये टॉपिक आपको आना चाहिए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर टॉपिक आ गया तो इससे पहले हमने आज के वीडियो लेक्चर में जो हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, वो भी आपको आसानी से आ जाएगा। ये टॉपिक भी आप बहुत आसानी से कर सकते, इमेज ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट की इमेज बताना, ठीक है। तो फिर से एक बार कह रहा हूं, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो आज डायरेक्टली ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं,
उन्होंने लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा, पहले जाके आप लेक्चर नंबर 4 बहुत अच्छे से डिटेल वे में देख लो। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उतना ही टॉपिक देखना, नहीं, पूरा वीडियो अच्छे से देखो, उसके बाद फिर इस वीडियो को आप कंटिन्यू करो। ओके, एक एग्जांपल ट्राई करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। एग्जांपल है द इमेज ऑफ पॉइंट P163 इन द लाइन x/1 = y-1/2 = z-2/3। कंसेप्ट वही है कि ये लाइन है, ये एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 6, 3। इस पॉइंट का एक इमेज हमने फाइंड आउट करना है, इसको P' से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैं P और P' को रिप्रेजेंट करूंगा तो ये जो पॉइंट रहेगा इसको हम लोग कहते हैं M। M होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो M के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते पहले। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस इक्वेशन को लैम्ब्रा के साथ इक्वेट करके x निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा लैम्ब्रा। y कोऑर्डिनेट कितना आएगा 1 + 2 लैम्ब्रा और z कोऑर्डिनेट कितना आएगा 2 + 3 लैम्ब्रा। ये m पता चल गया। तो फिर वेक्टर p m बता सकते हैं, वेक्टर p m माइनस p करके लैम्ब्रा माइनस 1, तो लैम्ब्रा माइनस 1 i हो जाएगा। 1 + 2 लैम्ब्रा माइनस 6, ये कितना होगा 2 लैम्ब्रा माइनस 5 जे हो जाएगा। और 2 + 3 लैम्ब्रा माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 3 लैम्ब्रा माइनस, ये हो जाएगा 3 लैम्ब्रा माइनस 1 के हो जाएगा। ठीक है, चलो वेक्टर बी भी आप बता सकते हो। वेक्टर बी क्या होता है, लाइन का पैरेलल वेक्टर होता है। वेक्टर बी, वेक्टर बी कितना आएगा i + 2j + 3 के आ जाएगा। चलो वेक्टर बी पता चल गया, वेक्टर पी एम पता चल गया। वेक्टर पी एम और वेक्टर बी एक दूसरे को कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। वेक्टर पी एम और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, आई कंपोनेंट 1 है, आई कंपोनेंट लैम्ब्रा माइनस 1 है, तो लैम्ब्रा माइनस 1, 2 मल्टीप्लाइड होगा तो कितना होगा 4 λ - 10, 3 मल्टीप्लाइड होगा तो 9 λ - 3 = 0। तो लैम्ब्रा प्लस 4 λ, 5 λ + 9λ, 14λ आ जाएगा। माइनस 1 माइनस 10 माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14, तो प्लस 14 हो जाएगा। लैम्ब्रा की वैल्यू कितना आ गई, 1। ठीक है, सो लैम्ब्रा की वैल्यू 1 आ गई, तो m के कोऑर्डिनेट आप आसानी से बता सकते हो। m के कोऑर्डिनेट कितना आएगा, लैम्ब्रा की वैल्यू 1 है, 1 है तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 है तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो m के कोऑर्डिनेट पता चल गए। ठीक है, अच्छा p' डैश के कोऑर्डिनेट मान लो कि कुछ x नॉट y नॉट z नॉट है। p' के कोऑर्डिनेट क्या लिया, x नॉट y नॉट z। अच्छा m क्या हो गया, मिड पॉइंट किसका, p' का। m क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो अच्छा m के कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए 1, 3, 5। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है m का जो x कोऑर्डिनेट है 1, ये इक्वल में होगा 1 + x0 / 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हम सिंपली, ठीक है ना। m के कोऑर्डिनेट निकालना, तो इसको x1 और इसको x0 अगर लेते हैं तो x1 + x0 / 2 होता है = 1। तो यहां से आपको x0 कितना मिल जाएगा, 2 और 1, तो ये x0 आ जाएगा 1। x0 कितना आ गया 1। फिर उसी तरीके से 6 + y0 = 3 के बराबर में होगा, तो 3 = 6 + y0 / 2। 3 इधर शिफ्ट किया तो 9 होगा, और सॉरी 2 आएगा, 2 इधर शिफ्ट किया तो 3 + 6 = 6 इधर आया, तो y0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। उसके बाद फिर 3 + z0, ये किसके 5 का, तो 5 = 3 + z0 / 2 आ जाएगा। 2 को शिफ्ट किया तो 10, 3 इधर आएगा तो 7, तो z0 कितना हो जाएगा 7। तो x0 y0 z0 मतलब p डैश के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 1 0 7 1 0 7। ऑप्शन से कहीं मैच हो रहा है क्या, हाँ ए ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। तो इस तरीके से क्या करना है, इमेज ऑफ अ पॉइंट फाइंड आउट करना। ठीक है, तो देखो जो टॉपिक है ये एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करते आना चाहिए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर टॉपिक अगर करते आए तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन करते आ जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर टॉपिक करते आ गया तो इमेज ऑफ अ पॉइंट इन द लाइन ये भी फाइंड आउट करते आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज मैंने जो 2 टॉपिक समझाया, हालांकि बहुत सिंपल टॉपिक है, ज्यादा कुछ न्यूमेरिकल इस पे लिया नहीं, क्योंकि अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर न्यूमेरिकल में अप्रोच सेम होने वाला है। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, एक नए टॉपिक को डिस्कशन करते हैं, और उस नए टॉपिक का नाम है एंगल बिटवीन
टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। काफी सारे बच्चों को ऑलरेडी इस टॉपिक के बारे में नॉलेज होता है, कैसे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जो स्टेट बोर्ड का लाइन एंड प्लेन चैप्टर है उसको ऑलरेडी देखा होता है, वहां पर ये टॉपिक हमने पहले भी डिस्कस करके रखा होता है, ठीक है। अच्छा, आप में से जो बच्चे स्टेट बोर्ड के हैं, स्टेट बोर्ड मतलब महाराष्ट्र बोर्ड के जो बच्चे हैं, उनके लिए प्लेलिस्ट में लाइन एंड प्लेन एक अलग चैप्टर सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वीडियो वहां पे बना के डाले। ये जो टॉपिक शुरू है, ये जो टॉपिक है, ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री और ये JEE मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आप जो वीडियो देख रहे हो वो किस रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो वो पहले समझ लो, कि क्या आप JEE मेन वाला टॉपिक देखना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो सही है, लेकिन अगर आप स्टेट बोर्ड वाला देखना चाहते हो तो आप गलत प्लेलिस्ट में आ चुके हो। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाके लाइन एंड प्लेन स्टेट बोर्ड लिखा हुआ है, लाइन एंड प्लेन स्टेट बोर्ड, उस प्लेलिस्ट में जाके वहां के वीडियो सबको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंश्योर कर लो कि आप जो वीडियो देख रहे हो वो आपके लिए ही है क्या नहीं है, या आपके रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियो है या नहीं है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है, देखो जैसे मान लो पहली लाइन है, इस लाइन एल वन का जो वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए वन प्लस लैम्ब्रा वेक्टर बी वन लेता हूं मैं, ठीक है। और मान लो ये सेकेंड लाइन है, लाइन एल टू, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए टू प्लस लैम्ब्रा वेक्टर बी टू ले लेता हूं। और मान लो ये है इन दो लाइन के बीच का एंगल, जिसको मैं थीटा दिखा देता हूं, ठीक है, बस समझ में आ गए। अच्छा, वेक्टर b1 क्या है, वेक्टर b1 लाइन l1 का पैरेलल वेक्टर होता है। अच्छा, वेक्टर b2 क्या है, लाइन l2 का पैरेलल वेक्टर होता है। तो अगर मुझे दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो मैं क्या करता हूं, ये जो वेक्टर b1 है और वेक्टर b2 को थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूं, वेक्टर b1 और वेक्टर b2 को क्या कर लेता हूं, एक्सटेंड। तो जो ये वेक्टर b1 और वेक्टर b2 के बीच का एंगल होगा वही एंगल दो लाइन के बीच का रहेगा, ठीक है, वही एंगल दो लाइंस के बीच का हो जाएगा, बस समझ पा रहे हो। तो अगर हमें दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो बेसिकली हमें क्या करना है, दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना, दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना, यानी कि वेक्टर b1 और वेक्टर b2। बस दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं सबको पता ही, फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन में मोड ऑफ वेक्टर b1 मोड ऑफ वेक्टर b2, ये फॉर्मूला आपको देगा एंगल बिटवीन टू लाइन, क्योंकि हमने वेक्टर चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ के रखा है कि दो वेक्टर अगर है और उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, यहां तक बस समझ में आ गई। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आ गया आपका वेक्टर फॉर्म में, कौन से फॉर्म में आ गया, वेक्टर फॉर्म। अच्छा, अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड आउट करना है तो वेक्टर b1 के अलोंग में डायरेक्शन रेशियो रहेंगे a1 b1 c1, और वेक्टर b2 के अलोंग में डायरेक्शन रहेंगे a2 b2 c2। तो वेक्टर b1 और वेक्टर b2 का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर b1 कैसे निकालोगे, b1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। और मॉड ऑफ वेक्टर b2 कैसे निकालोगे, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला रहेगा इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन फॉर्म, इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कंडीशन दी है, पहली कंडीशन है कि जो लाइन l1 है वो परपेंडिकुलर है लाइन l2 को, लाइन l1 और लाइन l2 एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, मतलब इनके बीच में एंगल कितना रहेगा 90। तो cos 90 कितना होता है, 0, cos 90 कितना होता है, 0। तो ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, यानी कि b1 और b2 का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट 0, मतलब देखो ना यहां पे मैंने थीटा की जगह 90 रखा, cos 90 0, तो ये पार्ट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। कब, जब दो लाइन एक दूसरे को कैसी हो, परपेंडिकुलर। और अगर दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, लाइन l1 पैरेलल टू लाइन l2, दो लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो फिर उनके जो कोऑर्डिनेट होते, सॉरी, जो देखो लाइन l1 और लाइन l2 अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो वेक्टर b1 और वेक्टर b2 भी पैरेलल रहेंगे। तो वेक्टर b1 के कंपोनेंट और वेक्टर b2 के कंपोनेंट का जो रेशियो रहेगा वो सेम होगा, यानी कि a1 अपॉन a2
इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू, ये कंडीशन हो जाएगी। कब? जब दो लाइन एक दूसरे को कैसे रहेगी पैरेलल। ये चीजें हमने ऑलरेडी वेक्टर चैप्टर में पहले ही डिस्कस करके रखी होती है कि जब दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन बनती है, जब दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल तो ये कंडीशन बनती है। ऑलरेडी ये डिस्कशन हमारा हो चुका होता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत समझो कि यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। वेक्टर चैप्टर के प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहां पे एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू वेक्टर से टॉपिक देख सकते हो, उसमें इन चीजों को बहुत डिटेल वे में मैंने डिस्कस करके रखा, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ, और ये न्यूमेरिकल बेस है एंगल बिटवीन टू लाइंस के टॉपिक पे, ठीक है। क्या बोला हमें, द एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये हमें एक लाइन गिवन दी है x / 2 = y / 2 = z / 1 एंड सेकंड लाइन x - 1 = y - 1 / 2 = z - 1 / 2, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ तो आपको पता चलेगा कि ये a b c है, ठीक। तो मैं इसको a1 b1 c1 से रिप्रेजेंट करता हूं और इसे a2 b2 c2 से। अब देख लो जो आपके पास लाइन गिवन दिए है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो जब आप कंपेयर करोगे तो ये क्या बनेगा आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका a1 b1 c1 और ये है आपका a2 b2 c2, 2 into 1 so 2 into 1 2 हो जाएगा प्लस b1 b2 2 into 2 4 हो जाएगा, c1 c2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट में a2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 से ये कितना आएगा प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल ऊपर से आ गया 4 और 9 तो ये हो जाएगा 3 और ये भी 9 तो ये हो जाएगा 3। So, थीटा आपको कितना मिलेगा एक्चुअली cos थीटा अगर देखा जाए तो हो जाएगा 4 अपॉन 9 क्या हो जाएगा 4 अपॉन 9 तो थीटा इज इक्वल टू कितना cos इनवर्स 4 अपॉन 9 ये रहेगा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो क्या करना है सिंपली a1 b1 c1 पता करो a2 b2 c2 पता करो फॉर्मूले में पुट अप करो और अपना आंसर निकालो, ठीक है। तो ओके इस एग्जांपल पे आते हैं। If the lines x minus 1 upon minus 3 is equal to y minus 2 upon 2k is equal to z minus 3 upon 2 and x minus 1 upon 3k is equal to y minus 5 upon 1 is equal to z minus 6 upon minus 5 are at right angle then k, वो क्या बोला जाता है कि दोनों लाइन राइट एंगल तैयार कर रहे हैं, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को कैसे परपेंडिकुलर है, और अगर दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो k की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। ये तो बहुत सिंपल है, लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइन कैसे है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू स्केल कितनी आ जाएगी जीरो, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू स्केल जीरो आएगी। अच्छा ए वन ए टू दिस इज योर ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू माइनस थ्री इंटू थ्री के माइनस थ्री इंटू थ्री के हो जाएगा माइनस नाइन के टू के इंटू टू ये हो जाएगा टू के इंटू वन ये हो जाएगा टू के और थ्री इंटू माइनस फाइव ये हो जाएगा माइनस टू इंटू माइनस फाइव ये हो जाएगा माइनस टेन इक्वल्स टू जीरो आ गया। नाउ माइनस टू के प्लस सॉरी माइनस नाइन के प्लस टू के सेवन के हो जाएगा इज इक्वल्स टू में माइनस टेन, ठीक है। तो k इज इक्वल टू कितना होगा माइनस टेन बाय सेवन तो ये रहेगा हमारा k का फाइनल रिजल्ट। ओके तो देखो क्या किया हमने, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, ठीक है।
बट हाँ जेई मेन में इस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते ना, इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, बट ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है कि आप कंसेप्ट समझ जाओ, दूसरा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो कि किस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करना है। जो शीट आपको मिलेगी पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो फाइनल शीट मिलेगी आपको, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उसमें जेई मेन लेवल के क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बट वो आप तभी कर पाओगे जब आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है, बेसिक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करता था, आपको फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है ये चीजें पता है, तो फिर जेई मेन की जो शीट आएगी वो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं। द एंगल बिटवीन द लाइंस 2x = 3y = -z एंड 6x - y - -4z इज 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। अपने को दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये जो आपको लाइन का इक्वेशन गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। लाइन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, लाइन का कैसा होना चाहिए, कुछ इस तरीके से x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c, कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अब जो हमारे पास इक्वेशन है और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये तो कहीं पे भी एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा, कहीं पे भी एक दूसरे को सिमिलर नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन है लाइन का उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन लाइन लेते हैं 2x = 3y - z। अब यहां से देखा मैं क्या कर रहा हूँ, जो 2x इसको ऐसे लिख सकता हूँ x/1/2, ठीक है लिख सकता हूँ, और z 3y को y/1/3 लिख सकते हैं, और -z को z/-1 लिख सकता हूँ। आई होप कि आप समझ गए ये कैसे लिखा है, ठीक है। तो मैं 2 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूंगा तो 1/2 बनेगा, 3 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूंगा तो 1/3 हो जाएगा, -1 को इस तरीके से। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो ये मेरे लिए a1 का काम करेगा, ये b1 का काम करेगा और ये c1 का काम करेगा। तो आई होप कि आप a1 b1 c1 तो आप समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे पिछले दो क्वेश्चन में फर्क क्या था, पिछले दो क्वेश्चन में आपको जो इक्वेशन देते हो डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मेट में थे, बट यहाँ पे जो लाइन की इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मतलब ये वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर वहां से हम a1 b1 c1 पता कर लेंगे। उसी तरीके से जो मेरे पास सेकेंड लाइन है 6x = -y = -4z, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो x/1 में कितना जाएगा 1/6, y/1 में कितना आएगा -1 - y2, और ये z/1 में कितना आएगा -1/4। तो ये आपका a2 b2 c2 हो जाएगा। मैं एक बार आपको a1 बताता हूँ, a1 1/2, b1 1/3 और c1 -1, ठीक है। ये a2 b2 c2 हो जाएगा, सो a2 1/6, b2 -1 और c2 -1/4। तो चलो आपको a1 b1 c1 पता चल गया, a2 b2 c2 भी पता चल गया, ठीक है। याद तक समझ में आ गया सबको, ओके। अब ध्यान से सुनना, जो हमने 3D चैप्टर में पढ़ा है, 3D में मैंने आपको एक बार एक लाइन बताई थी कि किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होते हैं, लेकिन किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशो इनफाइनाइट होते हैं। याद है आपको एक लाइन बताई थी, अगर आपको याद नहीं तो आप पिछला फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो आप देख लो, 3D ज्योमेट्री का, उसमें ये मैंने आपको कहीं ना कहीं बताया। अब क्यों बताया था ये भी मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। क्योंकि जो लाइन होती है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ जो एंगल तैयार करती है हमेशा यूनिक एंगल तैयार करती है, और यूनिक एंगल तैयार करने की वजह से यूनिक कोसाइन एंगल तैयार हो जाएंगे, और यूनिक कोसाइन एंगल, कोसाइन एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन जैसे कि मान लो तो एल की वैल्यू है 0.1, एम की वैल्यू है 0.2 और एन की वैल्यू है 0.3, एल एम एन मिल गए, किसी लाइन के हमें क्या मिल गए, डायरेक्शन कोसाइन। बट आपको पता है कि हम ज्यादातर इस नंबरों पे रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि आगे जाके ये कैलकुलेशन में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो डायरेक्शन रेशो का जो इन्वेंट हुआ था वो क्यों हुआ था, इसी वजह से तो हुआ था क्योंकि सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन आया। डायरेक्शन कोसाइन जब हम लोग उसका यूज करने लगे तो हमें पता चला कि डायरेक्शन कोसाइन
कि वैल्यूज तो हमेशा माइनस और वन के बीच में आएगी, क्यों ऐसा, क्यों कॉस इन्वॉल्व है। तो माइनस वन और वन के बीच में आने से प्रॉब्लम क्या होने लग गई कि उसके बीच में बहुत सारे डेसिमल वाले नंबर है, उनके साथ कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। तो हमने क्या बोला था, ठीक है डायरेक्शन कोसाइन तो हमें समझ गया है, तो मैं क्या करता हूँ एक पर्टिकुलर एक नंबर से उस डायरेक्शन कोसाइन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी। आप सोचो कि अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से, तो मेरे पास जो नए नंबर मिलेंगे देखो 10 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा 1, ये 2 हो जाएगा और ये 3 बनेगा। तो ये जो हमें मिलती है इसी को तो हम लोग डायरेक्शन रेशियो कहते हैं ना, क्योंकि 0.1 0.2 0.3 के कंपैरिजन में 1 2 3 के साथ कैलकुलेशन करना आसान है। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी जब डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो ये टॉपिक पढ़ा था तब बता दिया था। अच्छा मुझे एक बार, मैंने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 10 के साथ। मैंने कहा आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो अगर कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो इसका मतलब मैं इसको 20 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 बनेगा, ये 4 बनेगा और ये 6 बनेगा, तो ये भी मेरे पास डायरेक्शन रेशियो ही आ जाएगी, ये भी क्या जाएंगे डायरेक्शन रेशियो आ जाएगी। वैसे ही अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूं तो कुछ नए डायरेक्शन रेशियो मिलेंगे, वैसे ही मैं अगर 40 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कुछ नए डायरेक्शन रेशियो मिलेंगे। यानी कि अगर मेरे पास एक ही डायरेक्शन कोसाइन है तो उससे मैं मल्टीपल्स डायरेक्शन रेशियो बना सकता हूं, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि एक जो लाइन है, कोई भी एक लाइन है, उसका डायरेक्शन कोसाइन तो हमेशा यूनिक होंगे, सिंगल वैल्यूज रहेगी, लेकिन उसके डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट हो सकते हैं। बात समझ में आ गई, ओके। अच्छा अब ध्यान, ये मैंने इतना सब कुछ फिर से एक बार रिकॉल क्यों किया, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, उसको समझो। देखो मुझे क्या मिल गया, डायरेक्शन रेशियो मिला A1 B1 C1 A2 B2 C2। ये क्या है, ये एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, ये क्या है, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो है। लेकिन मुझे पता है कि एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो तो बहुत सारे होते हैं। मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन नंबरों के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहा हूँ, करने को कर सकते हैं इन नंबरों के लेके मल्टीप्लाई कर सकते, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होते हैं, तो जिस लाइन के डायरेक्शन रेशियो 1/2 1/3 1-1 है, क्या उसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो कोई और भी हो सकते हैं क्या, कोई सिंपल नंबर जिनसे कैलकुलेशन करने में आसानी हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन डायरेक्शन रेशियो को पर्टिकुलर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ऐसा नंबर जिससे आपको फाइनल में जो रिजल्ट मिलेगा वो सिंपल मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, 1/2 दिखाई दे रहा है, 1/3 दिखाई दे रहा है, माइनस 1, तो मैं काम कर देता हूँ, मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ 6 से। जब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा 3, ये मिलेगा 2 और ये मिलेगा -6। तो देखो 1/2 1/3 -1 के कंपैरिजन में ये जो नंबर आपको मिले है 3 2 -6, इनसे कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा, ठीक है। आप कंसेप्ट समझ रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि सर ऐसा कर सकते क्या, आप तो इनको चेंज कर रहे हो, चेंज कर रहा हो क्योंकि मेरे पास फैसिलिटी है, क्योंकि मेरे पास जब डायरेक्शन कोसाइन थे तो मैंने उसको 10 से भी मल्टीप्लाई किया तो मुझे एक डायरेक्शन रेशियो मिल गया, मैंने उसी नंबर को 20 से मल्टीप्लाई तो मुझे नए डायरेक्शन रेशियो मिल गए, 40 से मल्टीप्लाई किया नए डायरेक्शन, लेकिन जितने भी डायरेक्शन रेशियो मिले वो एक ही लाइन के तो है, समझ पा रहे हो बात को। तो ये भी उसी लाइन की डायरेक्शन रेशियो है और ये भी उसी लाइन की डायरेक्शन रेशियो है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, अगर यहाँ 1/6 -1 -1/4 दिखाई दे रहा है, तो मैं फिर से इनको किसी एक सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि जो मेरे पास नए नंबर है उसमें कैलकुलेशन करने में आसान, ये सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी कि सर ये कुछ नया कंसेप्ट पढ़ा रहे, नया नहीं, जब मैंने डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा था तभी ये समझा दिया था, ठीक है, नया नहीं। अच्छा एक बार समझ में आकर जब सेम कंसेप्ट मुझे नए न्यूमेरिकल में अप्लाई करना पड़ेगा तब आपको इतनी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं गिरेगी। तो इसको मैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेकिन ऐसा नंबर सोचो जो जो 6 भी डिवाइड कर ले 4 भी डिवाइड कर ले, 6 भी डिवाइड कर ले 4 भी डिवाइड कर ले, ऐसा एक नंबर है 12, मैं 12 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 12 से मल्टीप्लाई करते कितना देगा 12 देगा, ये -12 देगा और ये -3 देगा, तो हमारे पास नए डायरेक्शन रेशियो मिल गए सेम लाइन के, ठीक
ठीक है, बस एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मुला लगा लो। फॉर्मुला क्या है, a1 a2 3 into 2 6, b1 b2 2 into -12 -24, c1 c2 -6 into -3 18 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 -6 का स्क्वायर 36, a2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 -12 का स्क्वायर 144, -3 का स्क्वायर 9। ठीक है, ऊपर में कितना है, ऊपर में देखो जीरो आ गया, ऊपर में कितना आ गया जीरो, अगर ऊपर वाला जीरो तो फिर पूरा जीरो, एंड फाइनली cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो, cos थीटा की वैल्यू जीरो, इसका मतलब थीटा कितना 90 डिग्री, थीटा कितना 90 डिग्री, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, ठीक है। अब आएगा बच्चों के दिमाग में सवाल, सर ये जो आपने बताया ये मेरे तो पहले नहीं पढ़ा, हालांकि पढ़ना चाहिए फिर भी कि सर मेरे पास जो पहले आ गए थे अगर उनसे ही मल्टीप्लाई करो तो करो, उन्हीं को अगर पुट अप करो फॉर्मूले में करो, आपका आंसर सेम आएगा, देख लो कैलकुलेशन करो, लेकिन ये नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। ओके चलो एक नए एग्जांपल पे आते हैं, अब इसको ध्यान से देखो, और ये जो एग्जांपल है ये JEE 2013 में आया हुआ एग्जांपल है, ठीक है, ध्यान से देखो अच्छे से, कब आया JEE में 2013 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, चलो ध्यान से क्या बोले, द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइन सैटिस्फाइड द इक्वेशन एल प्लस एम प्लस एन इक्वल्स टू जीरो एंड एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। मतलब ये बोला जाता है कि दो लाइन है उनके अपने अपने डायरेक्शन कोसाइन है, पर वो जो डायरेक्शन कोसाइन है ये दो रिलेशन को क्या करता है सैटिस्फाइड, एल प्लस एम प्लस एन इक्वल्स टू जीरो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो क्या करें, तो पहले देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस माइनस एन स्क्वायर, तो इसको उधर शिफ्ट करें तो प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, एंड और क्या दिया एल प्लस एम प्लस एन इक्वल्स टू जीरो, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, अगर मैं यहाँ से आपको n पूछूं तो n आ जाएगा माइनस एल प्लस एम आ जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर मैं इस n के जगह ये रखूं माइनस एल प्लस एम का होल स्क्वायर तो ये कितना बनेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस फिर एल प्लस एम का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस टू एल एम प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल, एम स्क्वायर एम स्क्वायर, सो टू एल एम इक्वल्स टू जीरो, तो एल इंटू एम इक्वल्स टू जीरो, ध्यान से देखना एल इंटू एम की वैल्यू जीरो है, तो अगर एल की वैल्यू जीरो है ठीक है ना, इसमें दो केस बनेंगे, केस वन और यहाँ पे केस टू आ जाएगी, अगर एल की वैल्यू जीरो है तो L की वैल्यू जीरो है तो फिर L M की वैल्यू कितना, देखो अगर L की वैल्यू जीरो है कहीं भी रखो, L की वैल्यू जीरो है या फिर यहाँ पे रख लो, L की वैल्यू जीरो है तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M आ जाएगा माइनस N, L की वैल्यू अगर जीरो है M कितना आ जाएगा माइनस N, और N तो N रह ही गई, N तो N रहने वाला है। केस टू में अगर M की वैल्यू जीरो है ठीक है ना, क्या है अगर M की वैल्यू जीरो, यहाँ पे L into M equals to zero है ना, तो L equals to zero और M equals to zero होगा, तो अगर L की वैल्यू जीरो है तो L की वैल्यू जीरो है, M minus N, N, N आ जाएगा, N तो N ही रहेगा ना। अच्छा अगर M की वैल्यू जीरो है, M की वैल्यू जीरो है तो L कितना आएगा, L आ जाएगा माइनस N, M की वैल्यू जीरो तो, और N तो N रहेगा ही, तो ये क्या मिल गया, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये L1 M1 N1, मतलब पहले वाली लाइन के डायरेक्शन को साइन और ये सेकेंड वाले लाइन के डायरेक्शन को साइन, बस समझ पा रहे हो, जीरो माइनस एन एन ये क्या हो गए फर्स्ट वाले लाइन के डायरेक्शन को साइन, ये क्या हो गए सेकेंड वाले लाइन के डायरेक्शन को साइन, ठीक है। लेकिन लेकिन मैं थोड़े से और सिंपल नंबर चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जीरो है माइनस एन है एन है, तो इनको देखने का मन ये तो समझ गया कि मैं किसी ना किसी एक ऐसा नंबर तो है जिससे मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, और यहाँ पे भी इसको देखने के बाद मुझे दिमाग में आ रहा है कि एक ऐसी चीज है जो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ,
लेकिन जब हम डायरेक्शन कोसाइन को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो नए नंबर हमको मिलते हैं उसको हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो। अब ध्यान से देखें, इसको मैं 1/n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। किससे? 1/n। 0 × 1/n, 0 यानी a 1 हमको 0 मिल गया। इसको भी 1/n से मल्टीप्लाई किया तो m 1 कितना हो जाएगा, सॉरी b 1 कितना हो जाएगा, -1, और c 1 कितना हो जाएगा, 1। तो ये हमें फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो मिल गए। और वैसे ही यहाँ पे भी अगर मैं 1/n से मल्टीप्लाई करूँ, ये डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन को जब मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो नया नंबर मिलता है उसको हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। तो इसको भी 1/n से मल्टीप्लाई करूँ तो a 2 कितना मिलेगा, -1, b 2 कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, और इसको c 2 कितना मिल जाएगा, 1। तो ये मिल गया मुझे a 2 b 2 c 2। बस a 1 b 1 c 1 पता लगे, a 2 b 2 c 2 पता चल गए, cos थीटा लगा लेते हैं। तो a 1 into a 2 0 into -1 0, -1 into 0 0, 1 into 1 1, upon under root में 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी ये देगा रूट 2, और यहाँ पे भी कितना आएगा, ये भी देगा रूट 2। तो फाइनली cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई, 1/2। और आप सबको पता है कि cos थीटा की वैल्यू 1/2, तो थीटा कितना, 60 डिग्री। अच्छा, एक एंगल 60 आएगा तो दूसरा एंगल कितना आएगा, 120 डिग्री। अच्छा, 60 मतलब कितना रेडियन होता है, 5/3 रेडियन होता है। कितना रेडियन? 5/3, और ये 2π/3 रेडियन। तो आंसर क्या दिया हमें, ये देखो 5/3 रेडियन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, डी। देखो जेईई 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, और कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। महाराष्ट्र बोर्ड के बुक्स में ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे दिख जाएगा, ठीक है। तो जेईई मेन में ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आप दिक्कत कहा जाएगी ना आपको, आप बहुत से बच्चों में से एलेमेंट निकाल लेंगे, आगे दिक्कत जाएगी। बहुत से बच्चे यही तक नहीं पहुंच पाएंगे उनके, अगर ऐसे क्वेश्चन आपने पहले कभी सॉल्व नहीं किए होंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको जो मैंने अभी क्वेश्चन करा दिया 2013 का क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ओके, चलो एक नया एग्जाम्पल करते हैं, और ये लास्ट एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। मैंने ये ट्राई किया कि आपको जो इतने भी 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया, हर क्वेश्चन में वेराइटी हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या बोला, एंगल बिटवीन अ लाइन विद डायरेक्शन कोसाइन 2 to 1, एक लाइन जिसके डायरेक्शन कोसाइन का 2 to 1 है, एंड अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, 1, 4, 2, 7, 2, 12। मतलब क्या बोलना चाहते हैं, समझो, एक ऑलरेडी एक लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइन मान लो ए 1 2 है, बी 1 2 है, और सी 1 1 है, और फिर जो दूसरे लाइन है वो दो पॉइंट, जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ होगा और एक पॉइंट यहाँ होगा, ये पॉइंट ए देते हैं 3, 1, 4, और ये पॉइंट बी देते हैं 7, 2, 12। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन तैयार होगी। मुझे बोला गया कि इन दो लाइंस के बीच का एंगल बताओ, इन दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना, ठीक है। मेरे पास लाइन L1 के तो ऑलरेडी डायरेक्शन कोसाइन दिए है, और लाइन L2 को मैं डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेता हूँ। तो लाइन A1 कितना दिया है, 2, B1 दिया है 2, C1 दिया है 1। सेकंड लाइन के डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, A2 कैसे निकालेंगे, 7 - 3 करके तो 4, B2 कैसे निकालेंगे, 2 - 1 करके 1, और C2 कैसे निकालेंगे, 12 - 4 करके, 12 - 4 8। अच्छा, आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर ये कहाँ से आ गया, अरे याद करो, दो पॉइंट अगर दिए तो इक्वेशन ऑफ लाइन का x - x1 / x2 - x1, और ये तो अपना a2 होता है ना, y - y1 / y2 - y1, ये हमारा b2 रहेगा, और ये z - z1 / z2 - z1, और ये हमारा c2 रहेगा। तो a2 b2 c2 तो पता ही चल गया, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से फिर से देखो, आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ, यहाँ पे क्या है 2 to 1 है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे जरूरत गिरेगी, बट यहाँ पे 4, 1, 8 है। क्या आपको लगता है कोई ऐसा एक नंबर, अच्छा अगर आपको लगता है कि नहीं ये नंबर बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो फिर इन नंबर को लेकर सॉल्व करो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये नंबर में थोड़े बड़े है, मैं इनको और थोड़ा रिड्यूस कर सकता हूँ तो करो, नहीं कर सकते ना मत करो। अब देखो ये फिर गड़बड़ी कहाँ करते थे बच्चे, उनको लगता है कि नहीं यार 8 ना बहुत बड़ा लग रहा है,
इसको थोड़ा और छोटा बना दो, क्योंकि 4 दिखाई दे रहा है 8 दिखाई दे रहा है, तो मैं 4 से डिवाइड कर दूँ, 4 से डिवाइड करो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये 1 देगा तो ये 1/4 हो जाएगा और ये 2 देगा फिर ये 1/4 और आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, डायरेक्ट इन्हीं नंबर्स को लेकर कैलकुलेशन स्टार्ट करो। cos थीटा इज इक्वल टू कितना था, a1 a2, 2 × 4 8, 2 × 1 2, 1 × 8 8, अपॉन अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, फिर इंटू में 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64। सो cos थीटा इज इक्वल टू अब कितना, ऊपर में 18 आ गया, नीचे इसने तो 3 दे दिया, और इसने कितना दिया, इसने आपको 81 दिया, 81 का मतलब 9, तो 9 2 यानी कि cos थीटा के वैल्यू कितने आ गए, 2/3, थीटा कितना आ गया, cos इनवर्स 2/3, तो ये रहेगा हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है ओके बच्चों, तो आई होप कि आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आज जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किए वो सभी टॉपिक आपको बहुत क्लियर कट समझ में आ गए, यही मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझा हो आप मुझे कमेंट करो, ताकि मैं उस चीज़ को और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, जो भी आपको मेरे तरफ से हेल्प चाहिए उससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट करो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको और किसी दूसरे चैप्टर पे वीडियोस फास्ट भी चाहिए, मैं वो भी आपको ऐसा फास्ट बना के आप लोगों के लिए रेडी रख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप अगर उसके लिए कमेंट करते हो तो ठीक है, कोई भी चैप्टर हो, फिर चाहे वो सीबीएसई से रिलेटेड हो, फिर चाहे वो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हो, फिर वो चाहे आपके स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जो भी हो, ठीक है, एज सून एज पॉसिबल जितने जल्दी हो सके उन पे वीडियोस बना के आप लोग भी अपलोड कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कमेंट्स करना है, उसके बाद आपको वीडियोस को लाइक करना है, सब्सक्राइब करो चैनल को, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हो करो, जितने अपने फ्रेंड्स तक इन सभी लिंक्स को भेज सकते हो भेजो। ठीक है, ताकि आपके साथ साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं उन वो लोग भी इस वीडियो लेक्चर का बेनिफिट ले पाए। ठीक है, लॉकडाउन के पीरियड में सब लोग अपने अपने घर पर बैठे होंगे, कुछ बच्चों के अगर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए तो ठीक है, जिनका ऑनलाइन क्लासेस शुरू नहीं हो गए उनको थोड़ी आप भी हेल्प कर दो कि ठीक है ये देख लो आप, आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट होगा। ठीक है ओके, तो आज यहीं पे स्टॉप होते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को एक नए टॉपिक के साथ कंटिन्यू करें।